जो मैंने वाह भाई वाह में पढ़ी थी, विज्ञापन से एक रचना पढ़ता हूं। आप देखते हैं लक्स साबुन का प्रचार आता है, एक महिला आती है मिक्सी लेकर आती है, इतना ध्यान एक महिला आती है मिक्सी लेकर आती है, उसमें दूध डालती है, फल डालती है, मेवा डालती है, मिक्सी ऑन करती है, अपना बाल यूं झटकारती है और उसमें से एक साबुन निकलता है। आप कल्पना करें कि भारत का कोई सामान्य या असामान्य नौजवान, भारत का कोई साधारण सा आदमी अगर इस चीज को सही मान ले, क्योंकि महिलाओं के द्वारा बताई गई चीज को लोग झटके में सही मान लेते हैं, अगर 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 यह विज्ञापन देखकर कोई नौजवान इस घटना को सही मान ले इस चीज को, तब कौन सी घटना घटेगी? तब वो कविता पढ़ता हूं, सुनिएगा कि कल ही सुबह जैसे ही मैंने खोला अपना गेट, सामने बैठा एक पढ़ा लिखा नौजवान अप टू डेट कुछ अजीब नजर आ रहा था, पास जाकर देखा तो साबुन खा रहा था। ऐसे विज्ञापनों में ऐसे ही घटना घटेगी। कल ही सुबह जैसे ही मैंने खोला अपना गेट, सामने बैठा एक पढ़ा लिखा नौजवान अप टू डेट कुछ अजीब नजर आ रहा था, पास जाकर देखा तो साबुन खा रहा था। मैंने कहा, अरे यार ये कौन सी चाल चल रहे हो, बदन के साबुन को मुंह में निकाल रहे हो? उसने कहा, आपको नहीं पता, आपको बिल्कुल नहीं पता, ये साबुन है करिश्माई, क्योंकि इसमें मिला हुआ है दूध, क्रीम और मलाई, साथ में है केसर और कस्तूरी, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत है। और जब से ये बात टीवी में ऐश्वर्या ने बताया है, तब से चौथी बार मैंने इसे खाया है, यही होगा। और मित्रों, पूरे हिंदुस्तान में आप सबके आशीर्वाद से व्यंग की पंक्तियों के साथ यात्रा करने की कोशिश कर रहा हूँ, तब पंक्तियां रखता हूँ। और जब से ये बात टीवी में ऐश्वर्या ने बताया है, तब से चौथी बार मैंने इसे खाया है, या सुन मैंने इसे रोका, या यूं कहिए टोका, और कहा, अरे यार दरअसल तू विज्ञापनों की चकाचौंध में चला गया है, शायद इसीलिए गलत राह पे चला गया है, तुम्हें नहीं पता ये अमीर लोग अपना सामान बेचने के लिए इसी तरह के सपने दिखाते हैं, अपने निरमा में दूध की सफेदी, बिस्कुट में केसर और च्यवनप्राश में सोना और चांदी बताते हैं। तब आपका आशीर्वाद मांगता हूँ कि तुम्हें नहीं पता ये अमीर लोग अपना सामान बेचने के लिए इसी तरह के सपने दिखाते हैं, अपने निरमा में दूध की सफेदी, बिस्कुट में केसर और च्यवनप्राश में सोना और चांदी बताते हैं, जिसकी जग में तुम्हारे जैसे भोले भाले नौजवान बड़ी आसानी से आ जाते हैं। उठो, घर चलो, कुछ खा लो, इसी में तुम्हारी भलाई है, भूल जाओ कि साबुन में दूध, क्रीम और मलाई है, भूल जाओ कि साबुन में दूध, क्रीम और मलाई है। एक कविता भैया पढ़ता हूँ जबरदस्ती, हाँ 4-5 मिनट आप कहते तो 4 हो गया है, बस 4 से 5 मिनट पढ़ता हूँ, सुनिएगा। राधेश्याम भारती जी कहाँ चले गए? उन्होंने कहा सदी का महानायक नवरत्न तेल बेच रहा, मैं वहां से कविता पढ़ता हूँ। अब तक का आशीर्वाद मांगता हूँ विज्ञापन से दूसरी कविता। नवरत्न तेल का प्रचार अमिताभ बच्चन जी करते हैं, आप सब लोग जानते हैं। नवरत्न तेल में उन्होंने जो कहा अब बता रहा हूँ मैं। नवरत्न तेल में उन्होंने दो प्रकार का तेल बताया, एक में कहा ठंडा ठंडा कुल, एक में कहा एक्स्ट्रा ठंडा, चैलेंज है इससे ठंडा कुछ भी नहीं। तब आपके कवि से फिर नहीं रहा गया। मैंने कहा, बच्चन साहब हम भारतीय संस्कृति में विश्वास रखने वाले लोग, जब मैं अपनी माँ का पैर छूता हूँ, जब हम सब अपनी माँ का पैर छूते हैं, तो हमारे कलेजे को इतनी ठंडक मिलती है, आपने कहा चैलेंज है इससे ठंडा कुछ भी नहीं। तब व्यंग की 12 पंक्तियों की कविता पढ़ता हूँ, सबका आशीर्वाद। स्वागत है। मैंने कहा, बच्चन साहब एक एक पंक्ति गिनाता हूँ, हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो नवरत्न तेल से अधिक ठंडक प्रदान करती है। पत्रकार बंधुओं को पंक्तियां समर्पित करता हूँ, सुनिएगा। एक एक पंक्ति गिनाता हूँ कि कुएं का पानी और बरगद की छांव, प्रीतम की खबर लाए कौवे की कांव, थपकाती माता की मीठी सी लोरी, चंदा से दूध भात मांगती कटोरी, बहना के राखी की पतली सी डोरी, फागुन में भाभी संग हल्की बरजोरी, बेहद गरीबों के पूछ की रात, परदेसी प्रीतम से हल्की मुलाकात, दुल्हन नवेली के माथे की बिंदी, अंग्रेजी दफ्तर में थोड़ी सी हिंदी, घर आए सैनिक का प्यारा सगा, सुभाषिस देते बुजुर्गों के पांव, और उन पांव को छूने के बाद कलेजे को मिलने वाली ठंडक नवरत्न तेल से कई गुना बड़ी है। और उन पांव को छूने के बाद कलेजे को मिलने वाली ठंडक
नवरत्न तेल से कई गुना बड़ी है। ये बात अलग है बच्चन साहब, आपको सिर्फ तेल बेचने की पड़ी है, आपका सिर्फ तेल बेचने की पड़ी। ये बाबा भूतनाथ की नगरी का एक रंग चढ़ा कविता का व्यंग भी, हास्य भी, यथार्थ भी, और बहुत सुंदर रेखांकन किया, अद्भुत बिंब आपकी कविता में। आइए इस कारवा को बढ़ाते हुए मैं वहां चलता हूँ जिन्होंने वाणी वंदना के साथ इस मंच का आगाज किया था, आदरणीय पूर्व चेयरमैन साहब ओम प्रकाश जी की।